बीजेपी नेताओं द्वारा अक्सर अजीबोगरीब बयानबाजी सुनने को मिलती है। इस प्रकार बयानबाजी करके वह अपनी पार्टी की किरकिरी करा देते हैं। दरअसल इस बार बीजेपी नेता ने देश की राजधानी समेत पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या को लेकर एक अजीब ही उपाय सुझाया है। मंत्री का मानना है कि यज्ञ करवाने से भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे, जिससे बारिश होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। आपको बता दें कि यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मंत्री सुनील भराला द्वारा की गई है। वहीं उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व मध्य भाग में लोग सबसे खराब हवा की गुणवत्ता से जूझ रहे हैं। बीजेपी नेता को प्रदूषण की समस्या से निपटारा के लिए कोई उचित सुझाव देने की बजाय इस प्रकार का बयान देना अजीब है। पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा बड़े स्तर पर पराली जलाना प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पराली जलाना प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे इस हद तक प्रदूषण नहीं होता। उन्होंने कहा, किसानों ने हमेशा से पराली जलाने का कार्य किया है और प्राकृतिक प्रक्रिया की बार बार आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने सुझाव दिया कि भगवान इंद्र की प्रार्थना से प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। भराला श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बीजेपी मंत्री ने सुझाव दिया कि सरकार को भगवान इंद्र बारिश के देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाना चाहिए। यह पारंपरिक तौर पर होता रहा है। भगवान इंद्र चीजों को सही कर देंगे। आपको बता दें कि पंजाब में हाल ही के दिनों में पराली जलाने के 22,000 से ज्यादा मामले व हरियाणा में 4,200 मामले सामने आए हैं। वहीं इस पर भराला ने बताया कि जब किसान गन्ना व दूसरे फसलों की खेती करते हैं तो इस तरह के अपशिष्ट पैदा होते हैं और उन्हें जलाने की आलोचना करना किसानों पर निशाना साधने जैसा है। मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को पराली से निपटारा दिलाने के लिए उचित साधन नहीं देने के कारण किसान इसे जलाने को मजबूर हैं। वहीं पंजाब एंड हरियाणा दोनों राज्यों में से एक में बीजेपी की ही सरकार है। हरियाणा में बीजेपी के नेतृत्व में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी प्रदूषण के निपटारे के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।